हेलो दोस्तों, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसे एक दफ़ा इंटरनेट पर ज़रूर देखते हैं। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग बढ़ती जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इसकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से अपनी सेल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं और मजीद कर रहे हैं, और इन्हीं की ग्रोथ को देख के जितने छोटे बिजनेसेस हैं वो इंस्पायर हुए हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी सेल को इंक्रीज करें, क्योंकि यूज़र की 70% परचेजिंग इंटरनेट से इन्फ्लुएंस हो गई होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर में बैठे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं, 1 लाख से 10 लाख रुपए तक आप महीने के बआसानी कमा सकते हैं। अब यहां पर जिन लोगों को नहीं पता कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और ये किस तरह काम करती है, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। डिजिटल मार्केटिंग मतलब जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वेबसाइट, सोशल मीडिया, गूगल मैप, ब्लॉग्स, वीडियोस, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, इन प्लेटफॉर्म पे किसी बिजनेस को प्रमोट करना, राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर से लिंक करना और इनकी सेल को बढ़ाना, ये बेसिक मकसद है डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज मौजूद हैं और हम ये काम किस तरह कर सकते हैं, ना हमें ये काम आता है, ना हमारे पास कोई एक्सपीरियंस है और ना ही हमारे पास कोई टीम और ना ही कोई सेटअप है। अब मजे की बात यह है कि जितनी यहाँ पर छोटी एजेंसीज हैं उनके लिए मार्केट प्लेस बहुत बड़ा है। अब आप देख लीजिए कि मिसाल के तौर पर एक बड़ा बिजनेस है जैसे नेस्ले है, वो किसी बड़ी ही एजेंसी को अप्रोच करेगा, लाखों रुपए मंथली वो एजेंसी चार्ज तो करेगी, मगर उस एजेंसी के पास सिलेक्टेड कस्टमर होंगे, जितने बड़े बड़े कस्टमर हैं वही होंगे। जब आप मार्केट में बॉटम की तरफ आते हैं तो आपको बेशुमार बिजनेसेस मिलेंगे जो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, जो अपनी सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से, मगर उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इतनी ऊपर की कंपनी को अप्रोच करें। वो आप जैसी छोटी कंपनी को ही, लो बजट की कंपनी को ही अप्रोच करते हैं। यही वजह है कि आपकी मार्केट बहुत बड़ी है और आपका बिजनेस में ग्रूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, एक स्मॉल एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है, बजाय इसके कि आप पूरी मार्केट को कैप्चर करें, आप एक सिलेक्टेड एरिया के अंदर अपने आप को, अपने स्किल्स बढ़ाएं और उसी के अंदर स्पेशलिस्ट बनिए। अब इसके लिए या तो फिर आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे फेसबुक, गूगल, गूगल मैप, SEO, SMO, ORM या इस किस्म के कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप उसी के एक्सपर्ट बन जाइए, या तो फिर आप किसी एक इंडस्ट्री को फोकस कर लीजिए, जैसे एजुकेशन है, ट्रेवल है, हैंडक्राफ्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, या इसमें से कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आप एजुकेशन की फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल और बाकी जो फील्ड हैं उसका तो हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर हाँ एजुकेशन की जो प्रमोशन है वो हमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो आपने एक माइक्रो एजेंसी बनानी है, इसके अंदर आपका कॉम्पिटिशन भी कम होगा और आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए आपको मैं और आसान ऑप्शन देता हूँ। आप पहले एक डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए, मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है या कोई भी इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर लीजिए, और उस इंडस्ट्री के लिए आप कोई एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, मिसाल के तौर पे फेसबुक है, यूट्यूब है या गूगल ऐड है, कोई भी इसमें से एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर लीजिए, तो आपके पास एक सिलेक्टेड वे, यानी कि आप एजुकेशन की फील्ड को प्रमोट करते हैं सिर्फ फेसबुक के ऊपर, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है ये और लिमिटेड हो जाएगा और इसमें आपको और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले 20 से 30 दिन तक आपने इसको स्टडी करना है। YouTube के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आपने तफसील से जो है अपने आप को एजुकेट करना है। यू समझिए कि जो माइक्रो एजेंसी आप खोलना चाह रहे हैं उसके अंदर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है। इसके बाद आपने अपनी एक प्रोफाइल बनानी है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, या फिर आप फेसबुक पेज भी बना सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं, हद तक कि आप वर्ड की फाइल भी बना सकते हैं, मगर आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। अब बारी आती है आपके फर्स्ट क्लाइंट की। देखिए दोस्तों, जितने भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं वो अपने फर्स्ट क्लाइंट को कभी नहीं बोलती, क्योंकि वो उनकी मेहनत का आगाज होता है, वो उनकी जर्नी का आगाज होता है। बस ये फर्स्ट क्लाइंट जब आपको मिलता है तो फिर आप ग्रोथ करते चले जाते हैं। चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं, आप कस्टमर कैसे बनाएंगे। जहां पर आप रहते हैं वहां पर आप देखिए, जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट करी है, जो डोमेन सेलेक्ट करा है, जो इंडस्ट्री सेलेक्ट करी है, उसके अंदर आपने देखना है कि आपके नजदीक कौन कौन से बिजनेस
बिजनेसेस मौजूद हैं। पहले आपने उन बिजनेसेस की लिस्ट बना लेनी है और उसके बाद वन बाय वन उनको स्टडी करना है। आपने वो पॉइंट ढूंढने हैं, वो गलतियां ढूंढनी हैं जिसको सही करने पे इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। सारी वर्किंग करने के बाद आप उस क्लाइंट के पास जाइए और उन्हें बताइए कि आपके बिजनेस के अंदर इन इन चीजों को अगर सुधार दिया जाए तो आपका बिजनेस जो है वो और ग्रोथ हो जाएगा और इन इन चीजों को मैं इस तरीके से सुधार सकता हूं और आपकी सेल को इंक्रीज कर सकता हूं। और आप किसी भी फ्रीलांसर वेबसाइट के ऊपर जाके ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपटीशन तो ज्यादा होता है मगर वहां से भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू की, आपको इस क्लाइंट के ऊपर कितने पैसे मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्लाइंट अगर आपको फ्री में भी सर्विसेज देनी पड़े तो उसकी फर्स्ट सर्विस आप बिल्कुल फ्री में दे दीजिए, क्योंकि यहां पर आप अभी सीख रहे हैं, अभी आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है, अभी आप अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, तो यहां पर आपको क्लाइंट की जरूरत है ताकि वो आपकी प्रोफाइल के अंदर जुड़ सके, आप उसको अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकें और आपकी प्रोफाइल ग्रूम हो सके। दूसरा, आप कमीशन ऑन सेल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रियल इस्टेट की प्रमोशन कर रहे हैं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपकी सेल हो जाए, जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए तो फिर आप उस वक्त मुझे मेरा कमीशन दे दिएगा। ज्यादातर जितनी भी स्मॉल एजेंसीज हैं वो एक क्लाइंट से मिनिमम 10,000 रुपए चार्ज करती हैं पर मंथ, और आप स्टार्टिंग के अंदर ही 10 क्लाइंट को आराम से हैंडल कर सकते हैं। मिनिमम ही लगाइए तो आप 1,00,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। मगर दोस्तों, यहां पर आपने रुकना नहीं है, यहां पर आपने और आगे की तरफ बढ़ना है, आपने विजन बड़ा रखना है। जब आप विजन बड़ा रखते हैं तो फिर आप बिजनेस भी बड़ा करते हैं। जब आपके पास 10 क्लाइंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने 11वां क्लाइंट खुद से नहीं लेना, क्योंकि अगर आप खुद ही मैनेज करने में लग जाएंगे तो उसके बाद आप वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे जो क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा। तो इस स्टेज के ऊपर आपने बंदों को हायर करना है और अपने बिजनेस को मजीद बढ़ाना है। अगर आप मेहनत से लगन से काम करते हैं तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही आप 10,00,000 रुपए यानी कि 1,000,000 पर मंथ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज इसके ऊपर वर्किंग शुरू कीजिए और घर बैठे बिना कोई पैसा लगाए आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। इसी तरह के यूजफुल बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।